हेलो स्टूडेंट्स एंड माय फ्रेंड्स, आई होप ऑल आर यू फाइन। माय सेल्फ मुकेश गंगवार, योर फिजिक्स टीचर फ्रॉम ब्रह्मदास सरस्वती विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल बिलासपुर। डियर स्टूडेंट, डियर फ्रेंड्स, कोविड-19 के इस दौर में हम लोग घर पर ही रहकर सुरक्षित तरीके से ये पठन पाठन का कार्य करें, शिक्षा ग्रहण करें, अनावश्यक घर से बाहर नहीं निकलें। डियर स्टूडेंट, वी आर डिस्कस दिस वीडियो फॉर द क्लास 11th सब्जेक्ट फिजिक्स, चैप्टर नंबर 2, यूनिट्स मेजरमेंट एंड एरर एनालिसिस, पार्ट 4। डियर स्टूडेंट, वी आर डिस्कस अबाउट द इन द प्रीवियस वीडियो डेरिवेटिव यूनिट्स, एवरेशन इन पावर ऑफ 10, मेजरमेंट ऑफ लेंथ, इनडायरेक्ट मेथड और डायरेक्ट मेथड। इन दिस वीडियो वी आर डिस्कस अबाउट द इनडायरेक्ट मेथड फॉर लार्ज डिस्टेंसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल, इचो मेथड इचो और रिफ्लेक्शन मेथड। डियर स्टूडेंट, दिस मेथड फॉर द लॉन्ग डिस्टेंस मेजर टू द लॉन्ग डिस्टेंसेस, फॉर दिस ए गन डायरेक्टेड टुवर्ड्स द हिल इज फायर्ड एंड टाइम इंटरवल टी बिटवीन द इंस्टेंट ऑफ फायरिंग द गन एंड द इंस्टेंट of hearing the echo is noted observably in time interval t sound travel from the observer to the hill and back to the observer, that is a total distance of 2s. Dear student, is method ko use karte hain, yahan se bahut duri par एक ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर से बहुत दूरी पर कोई पहाड़ी है, कोई बिल्डिंग है, यहाँ से एक गन को फायर करते हैं, गन की साउंड पहाड़ी से हिल से रिफ्लेक्टेड होकर ऑब्जर्वर तक आती है और ऑब्जर्वर तक आने में हम जो टाइम होता है, टाइम को हम नोट कर लेते हैं स्मॉल टी। तो डिस्टेंस साउंड को ऑब्जर्वर से हिल तक जाने और वहाँ से रिटर्न होने में टाइम लगता है टी, स्मॉल टी, ओके। एंड डिस्टेंस कवर बाय द साउंड एस शे एस एंड एस, 2s डिस्टेंस हो जाती हैं। तो देन इफ द टोटल डिस्टेंस covered by the sound A2S in time interval t, then the velocity of the sound, then the velocity of sound in air is equal to v is equal to velocity is equal to distance upon time, distance 2s, s जाने में और s आने में, अपॉन टाइम इंटरवल टी, देन द डिस्टेंस ऑफ हिल, डिस्टेंस ऑफ हिल फ्रॉम द ऑब्जर्वर, एस इज द डिस्टेंस
from observer to the hill, then 2s is equal to v into t cross multiply, then s is equal to v into t upon 2. This formula will be used to the distance finding the observer to the hill. We have v is equal to, where v is equal to velocity of sound in air. Mostly iski value v is equal to 332 meter per second use ki jati hai, isko dhyan rakhna. Ye tha reflecting method. Next method hai laser method. Laser method. We are discuss about in the previous video the full form of the laser method. The full form of laser: light amplification by stimulated light amplification by stimulated emission of radiation. This is the full form of the laser: light amplification by stimulated emission of radiation. Laser क्या होता है स्टूडेंट? आपने छोटी सी टार्च देखी होगी, पॉइंटेड चलती है, लेसर लाइट कहते हैं. तो उसको हम यूज करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस को मेजर करने में. लेसर इज ए सोर्स ऑफ प्रोड्यूसिंग एन इंस्टेंट हाईली मोनोक्रोमेटिक एंड यूनिडायरेक्शनल बीम ऑफ लाइट. दीज प्रॉपर्टीज ऑफ ए लेसर बीम आर यूज टू मेजर लॉन्ग डिस्टेंसेस. इफ हैज बीन यूज टू मेजर ए लास्ट मेजर द डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ. द लेसर बीम इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम अर्थ एंड रिसीव्ड बैक आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम मून. इफ टी विद अ टाइम इंटरवल बिटवीन ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ द बीम, देन द डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ. डियर स्टूडेंट, इन दिस मेथड लेजर बीम को हम लॉन्ग डिस्टेंसिस के मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं. जैसे सपोज द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, तो अर्थ से लेजर बीम को हम इमिट करते हैं, रिफ्लेक्ट किया जाता है, और ये जो लेजर बीम है मून से रिफ्लेक्ट होकर ये कहाँ ट्रांसमिट करने के बाद ये अर्थ पर लगे ट्रांसमीटर के द्वारा रिसीव किया जाता है. और रिसीव करने में, वहाँ पर जाने में और आने में दोनों का टाइम इंटरवल हम नोट कर लेते हैं, और टाइम इंटरवल नोट करने के बाद हम इसका डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं. इफ स्मॉल टी वी द टाइम इंटरवल बिटवीन ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ बीम ऑफ लाइट देन द डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ.
from earth. Same formula, the velocity of light c is equal to distance upon time 2s upon t. Then the distance s is equal to c into t upon 2, where c is equal to velocity of light in vacuum or air 3.0 into 10 raised to the power 8 meter per second. So dear student, the same method of the laser beam and HO or reflective method. Next method for measuring the long distances, long distance. My dear student, next method, radar, R-A-D-A-R, radar method. The full form of radar, I tell you in previous video, and revise radar, radio detection and ringing. Radio detection and ringing. Radio detection and ringing. Dear student, radio waves are sent into space from a transmitter. In case an aeroplanes come in their path, they are reflected back and are detected by a detector. Knowing that velocity of radio waves is 3 into 10 raised to the power 8 meter per second, and measuring the time interval between the instant of transmission of the wave and their detection, the distance of the aeroplane can be computed. The time interval t between the transmission and reception of the radio waves is measured on the detector. The distance s of the aeroplane from earth is then computed from the relation. Dear student, in this method, the radio waves are transmitted from the transmitter at the earth. और ये अपने पाथ में आने वाले पूरे स्पेस में रेडियो वेव्स को भेज दिया जाता है, सेंड कर दिया जाता है, और ये रेडियो वेव्स अपने जो पाथ है, जिसके रास्ते में कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी एस्पेस्टास या एरोप्लेन आता है, उसी रिफ्लेक्टेड होती हैं, और रिफ्लेक्टेड होने के आफ्टर ये डिटेक्टर पर आके रिसीव हो जाती हैं। तो रेडियो वेव्स के जाने और रिफ्लेक्टेड होकर वापस आने में जो टाइम है उसको मेज़र कर लेते हैं, और मेज़र करने के बाद इसको हम जिस फार्मूले से कंप्यूट कर लेते हैं, सेम फार्मूला, द टाइम इफ स्मॉल टी वी द टाइम इंटरवल बिटवीन transmitting and detecting. Detecting of radio waves. Then distance of aeroplane from the detector. Then
she is equal to 2s upon t, or s is equal to c into t upon 2. This formula is used to the distance of aeroplane from the detector, where c is equal to velocity of radio wave 3.0 into 10 raised to the power 8 meter per second. The radio waves also velocity has the light waves. Next method, today student, this method understand same method हम use different types से use कर रहे हैं. method हमारा same आ रहा है. next method है sonar method. next method for sonar. sonar, the full form of the sonar, sound navigation and ranging. sound navigation and ranging. ठीक है dear student, the sonar SO sound and navigation is and are ringing. sound navigation and ringing, this method is used to detect object submarine under water such as sea rocks and submarines, and for measuring their depth ultrasonic wave from a transmitter are sent into the water. When interpreted by some rocks or submarine, they are reflected back and detected by the detector. Measuring the time interval between transmission and reception of the ultrasonic wave and known their speed in sea water, the depth of the rock or the submarine can be calculated by the formula. Dear students, इस method को हम समुद्र में water के नीचे किसी submarine या rock, stone और submarine कोई भी rock है ice rock, इनकी detect करने के लिए use करते हैं. किसी भी ship पर हम ये सिस्टम लगा देते हैं, वहाँ से अल्ट्रासोनिक बीप्स वाटर में सेंड की जाती हैं, और अल्ट्रासोनिक बीप वाटर में जाती हैं, मूव करती हैं, तो उसके जो पाथ में कोई भी ऑब्जेक्ट आता है, सबमरीन है, रॉक्स है, ठीक है, वहाँ से ये रिफ्लेक्ट होकर रिटर्न बैक एट द डिटेक्टर. अगर कोई भी नहीं आता है तो शी की जो डेप्थ है वहाँ तक जाती हैं, डेप्थ को फाइंड करने में ये काम आता है. तो डियर स्टूडेंट्स, इफ टी बी द टाइम इंटरवल ऑफ time interval between transmitting and detecting of ultrasonic wave
then the depth of the sea. डेप्थ हो जाती है सेम v इज इक्वल टू टू डी डी फॉर डेप्थ अपॉन टी देन डी इज इक्वल टू डेप्थ ऑफ द सी v इंटू टी अपॉन टू. दिस इज द सेम फार्मूला इन द प्रीवियस टॉपिक्स वेयर v इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ स्पीड ऑफ वेव्स स्पीड ऑफ वेव इन सी वाटर. ओके स्टूडेंट्स, दीज आर द मेथड्स, फोर मेथड्स ऑफ मेजरिंग द लॉन्ग डिस्टेंसेस. एंड नेक्स्ट टॉपिक for this video to measure size of an astronomical object, to measure size of astronomical object. Astronomical objects. Okay? तो कैसे हम साइज को इस करते हैं? Dear students, astronomical objects like a moon, like a planets, like a stars, anything. Let moon be the astronomical object whose diameter AB. Dear students, इसको AB, this is the moon and this is the earth. Okay, and S हमें determine करनी है और यहाँ से ये angle theta drawn कर रहा है. A B and E, E for earth और D for the diameter of the moon. So dear student, let the diameter of A B टू बी मेजर्ड. इसको मेजर करना है इसके डायमीटर को. लेट एंगल ए ई वी इज इक्वल टू थीटा सस्पेंडेड बाई द टू पॉइंट्स ए एंड बी ऑफ द डायमीटर ऑफ द मून एट पॉइंट ई ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. एस बी द डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ. द डायमीटर ए बी ऑफ द मून can be considered as a circular arc of radius s. इसको हम circular arc मान लेते हैं s. then theta is equal to ab upon ae, ab upon ae, ab upon ae. Dear students, angle is equal to arc upon radius. Arc upon radius. Okay, arc AB, radius AE or VE. Then theta is equal to AB capital D upon S. Okay, then the size of moon d for the size diameter. So d is equal to theta into s. Okay student, इस तरह से हम कोई भी astronomical object है उसका
क्या डायमीटर फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस सेम टर्म, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6 मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट by parallax method. Okay, parallax method से हमें किसी भी astronomical object की distance find करना है। So dear student, this is the earth surface and a point O A V, and the distance of this point V small b, the arc S, इस डिस्टेंस को हमें फाइंड करना है। सो डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल नो द मीन ऑफ पैरेलेक्स। कंसीडर ए ऑब्जेक्ट एट अ पॉइंट ओ और एट ए डिस्टेंस स्मॉल एस फ्रॉम द टू आइज ए और बी, दो जगह से हम देखते हैं। सपोज दैट द लाइन्स ज्वाइनिंग द ऑब्जेक्ट टू द लेफ्ट आइज ए एंड द राइट आइज वी, राइट आइज बी, सबटेंड एन एंगल थीटा, थीटा एंगल को सबटेंड कर रही है। द एंगल इज कॉल्ड द पैरेलेक्स एंगल और पीरियोडिक एंगल एंड द डिस्टेंस ए बी इज कॉल्ड टू वी, टेकिंग द डिस्टेंस ए वी एज ए सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस स्मॉल एस। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से इस तरह से देखिए, ये जो ऑब्जेक्ट है हमने इसको ले रखा है, हम इसको पैरेलेक्स कर रहे हैं। पैरेलेक्स का समझते हैं डियर स्टूडेंट्स, एक पॉइंट को हम दो पॉइंट से अर्थ पर, सरफेस ऑफ अर्थ पर दो जगह से हम देखेंगे और ये एंगल सब्टेंड करेंगे थीटा, और ये डिस्टेंस हमें पता होगी, नोन होगी, और ये डिस्टेंस हमें भी नोन होगी। तो हमारे लिए ये अननोन डिस्टेंस को हम फाइंड कर लेंगे। कैसे? द ए वी, लेट द डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू वी, ए बी इज इक्वल टू बी, टेकिंग द डिस्टेंस ए बी, टेकिंग द डिस्टेंस ए बी एज ए सर्कुलर आर्क, एज ए सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस एस, ओके, देन एंगल थीटा इज इक्वल टू भाई ए बी अपॉन ओ ए और ओ बी, ए बी अपॉन ओ ए और ओ बी। डियर स्टूडेंट अंडरस्टैंड, बिकॉज एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस, देन थीटा इज इक्वल टू
AB. AB is the V and OA is the S. S with the distance of the object from the earth, then the distance of object from earth surface, then S is equal to V upon theta. S is equal to V upon theta. Dear student, these are the method of measuring long distances and size of the object and the distance of the object. बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी लोग अपने घरों में स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, अनावश्यक घरों से ना निकलिए और अपने पड़ोस में अपने नेबर्स को कोविड-19 के लिए थोड़ा जागरूक कीजिए।